गाइस आज की वीडियो हमारी आईफोन 11 की कैमरा सेटिंग के साथ में हम आईफोन 13 प्रो की कैमरा सेटिंग हम कंपेयर करने वाले हैं। देखते हैं कितना फर्क हमें देखने को मिलेगा एक दो साल पुराने आईफोन के साथ में जो हमारा लेटेस्ट वाला प्रो मॉडल वाला आईफोन है, क्या क्या हमें सेटिंग में नया देखने को मिल रहा है और क्या क्या नए फीचर एड किए गए हैं। इस वीडियो से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक बेस मॉडल के साथ में एक प्रो मॉडल पे कितना फर्क आता है। तो काफी मस्त वीडियो होगी, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो कैमरा सेटिंग में देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है प्रो मॉडल में। तो यहाँ पर आगे हम कैमरा सेटिंग में, तो फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपको पहले तो हाई एफिशिएंसी मोस्ट कंपेटेबल, इसके अलावा प्रो मॉडल में आपको दो नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक तो है एप्पल प्रो रो और दूसरा हमारा एप्पल प्रो रेज। एक तो हमारा फोटोज की रेज जो की मतलब एक रॉ फोटो क्लिक करता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का फोटो होता है, थोड़ा साइज उसका हैवी होता है, 25 MB तक फोटो क्लिक करता है। और दूसरा हमारा एप्पल प्रो रेज, इसमें जो वीडियो बनती है ना वो बहुत ही हाई क्वालिटी की बनती है, 10 bit HDR, तो बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। तो ये सिर्फ आपको प्रो मॉडल में देखने को मिलेगा, इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है हमारा रिकॉर्ड वीडियो। रिकॉर्ड वीडियो में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेट हमें सेम देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर पैल फॉर्मेट भी मिल रहा है दोनों में। और यहाँ पर बाकी जो सेटिंग्स है ना उसमें आईफोन 13 प्रो में एक एडवांटेज है, यहाँ पर HDR वीडियो रिकॉर्ड दे के रखा है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फायदा है कि आप HDR में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर बेस मॉडल में आपको ऑटो FPS की ऑप्शन मिल जाती है जो कि 30 FPS से 24 FPS तक की है, और प्रो मॉडल में यहाँ पर आप इसको 30 FPS से 60 FPS तक कर सकते हो, ये एडवांटेज है। इसके अलावा स्लो मोशन में आपको सेम ही सेटिंग देखने को मिलती है, कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट दोनों में आपको स्टीरियो साउंड मिल जाती है। और प्रिजर्व सेटिंग में चलते हैं, और यहाँ पर प्रिजर्व सेटिंग में यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ऑप्शन मिलती हैं, और प्रो में थोड़ी एक्स्ट्रा देके रखी है। पोर्ट्रेट जूम मिल जाता है, एप्पल प्रो रो मिल जाता है, एप्पल प्रो रेज, मतलब जो एक्स्ट्रा सेटिंग मैंने आपको बताई ना उनको आप प्रिजर्व में रख सकते हो। और बाकी की सेटिंग्स हम देखें तो यहाँ पर सेम ही देके रखी है, पर 11 में हमें स्मार्ट HDR देखने को मिलता है और 13 प्रो में आपको प्रॉपर वाला HDR देखने को मिलता है। और यहाँ पर कैमरा ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ, कैमरा ऐप के अंदर भी आपको बहुत फर्क देखने को मिलेगा। जैसे 11 में यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल मिलता है 1x, और इसको ऐसे जूम कर सकते हो 3x तक, और इसमें भी आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, दोनों का अल्ट्रा वाइड कुछ ऐसा है, और नॉर्मल 1x पे लेके आते हैं दोनों को तो कुछ ऐसा व्यू रहेगा। पर इसमें टेलीफोटो लेंस देके रखा है जो कि टेलीफोटो 3x तक आपको एकदम क्लियर विजन देगा। इसके अलावा यहाँ पर जूम करके देखते हैं दोनों में हमें कितना मैक्स जूम देखने को मिलता है। तो आईफोन 11 का जूम इतना गया, यहाँ पर हमने फोकस कर दिया है, और 13 प्रो का यहाँ पर 15x तक जूम जा रहा है फोटो के टाइम, और ये वाला हमारा जा रहा है 5x तक। और अब वीडियो में चेक कर लेते हैं, वीडियो में हमारा आईफोन 11 3x और अपना 13 प्रो 9x, और डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा क्लियर है और इसमें हमें नॉइस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आईफोन 13 प्रो में सिनेमैटिक मोड देके रखा है, 11 में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। स्लो मोशन तो दोनों में देके रखा है, बाकी टाइम लैप्स वो सब कुछ तो सेम ही देके रखा है। पोर्ट्रेट मोड भी आपको दोनों मिल जाता है, और पैनोरामा भी आपको दोनों मिल जाता है। और बाकी 13 प्रो में आपको फोटो की ऑप्शन मिल जाती है, एक ये एडवांटेज, और यहाँ पर आप टोन सिलेक्ट कर सकते हो, तो अलग अलग फिल्टर आप रियल टाइम देख सकते हो, ये फायदा है इसमें। और बाकी लाइव फोटो, नाइट मोड, फ्लैश आपको दोनों मिल जाएगी। एक्स्ट्रा फीचर जो है ना वो मैंने आपको बता दिए, और वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिए पहले सेटिंग में, सेम ही देके रखे हैं। दोनों स्मार्टफोन की कैमरा ऐप और सेटिंग्स आपने देख ली, तो डिफरेंस भी आपने देख लिया सारा, क्या क्या हमें फर्क देखने को मिलता है। अब हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम फोटोज वीडियोस कंपेयर करेंगे, एक प्रॉपर वाला कैमरा कंपेयर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत शूट कर लिया उस वीडियो को, थोड़ा सा काम अभी तक बचा हुआ है। सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पर गाइस ये आप देख रहे हो, ये एक बहुत बड़ा लेंस है, इसको आप अपने आईफोन के ऊपर लगा सकते हो या किसी एंड्रॉइड फोन के ऊपर भी लगा सकते हो। तो इस लेंस के ऊपर ना एक अलग सी वीडियो आएगी, हम देखेंगे कि कितना इंप्रूव करते हैं ये आपके स्मार्टफोन के कैमरा को। तो आईफोन 11 पे अगर ऐसा कुछ लगा के हम अगर अच्छी आउटपुट ले पाए तो क्यों ज्यादा पैसा खर्चे, आएगी ये वीडियो बहुत जल्द लेंस के ऊपर। फिलहाल हमारे पास ये लेंस है, आएगी जल्दी वीडियो।